Hi, so welcome or welcome back to my YouTube channel, and if you're new then do subscribe. Painting, colors, portrait, sketch, why I love art and a lot more. So इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी. अच्छा. So without wasting any time, let's get into the video. सबसे पहले क्वेश्चन है which color pencil and your drawings. थैंक यू सो मच. अगर तुम्हें नहीं पता है कि मेरा एक आर्ट पेज है इंस्टाग्राम पे एंड तो कुछ नहीं, तो मैं उसका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी. आप लोग वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी को गिफ्ट करने के लिए स्केचेस, पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बनवा सकते हो. सो यू कैन गेट योर कस्टमाइज आर्ट वर्क. सो डीएम मी विच कलर पेंसिल्स. ओके. सो ऑफकोर्स कोई भी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता कलर पेंसिल्स पे, राइट? क्योंकि कलर पेंसिल्स के प्राइसेस बहुत वैरी करते हैं. कुछ 100 रुपीज़ में भी यू गेट अ लॉट ऑफ कलर्स, कुछ 15,000 में, कुछ 1,600 में. सो देयर इज प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स, क्वालिटीज. बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो सो यू कैन गो फॉर चीप कलर पेंसिल्स जो कि बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे हैं. क्योंकि मैंने जितनी भी कलर पोर्ट्रेट्स अपने बनाए हैं और उनको सेल किया है वो मैंने उसी से बनाए हैं. तो इट्स फॉर 100, दैट्स इट. मैं डॉम्स के कलर पेंसिल यूज़ करती हूँ, यू नो. इसके अंदर सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड इट्स जस्ट फॉर 100. ओके, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो 100 इज़ वर्थ इट. सो ऑफकोर्स यू कैन गो विद दिस. बट अगर आपको हो गया है काफ़ी टाइम में कलर पेंसिल्स यूज़ करके एंड यू थिंक दैट यू नीड गुड मोर यू नो सप्लाइज, आर्ट सप्लाइज, तो यू कैन इवन गो फॉर ब्रस्ट्रो के कलर पेंसिल्स जो कि मैंने मंगा रखे हैं और अभी तक आए नहीं हैं. और यू कैन गो विद प्रिज्मा कलर्स. दीज कलर्स आर जस्ट अमेजिंग. मतलब प्यार हो जाएगा तुम्हें इनसे. सो मूविंग ऑन टू विद नेक्स्ट क्वेश्चन. कहाँ से सीखी आपने आर्ट? गाइज, मैंने कहीं से नहीं सीखी है. आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट एंड ये लॉकडाउन का कमाल है. मुझे अच्छा लगता है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब करना. सो एज वी ऑल नो, लॉकडाउन में वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वेलापंती कर रहे थे हम. सो आई थॉट कि ठीक है यार, अपने खोए हुए टैलेंट पे थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं, थोड़ा बाहर लेके आते हैं. एंड जब मैंने वो करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग. इसमें और काम किया जा सकता है. सो जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, डू इट. ऐसे ही आर्ट की शुरुआत हो गई और मैंने कहीं से नहीं सीखा. इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. बट या, यू डू नीड टू लर्न सम टेक्निक, सम स्किल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगिनर्स किट फॉर पेंटिंग. तो बहुत सारी टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, बहुत सारी होती हैं. बट जो मैं ज़्यादा करती हूँ वो है एक्रेलिक पेंटिंग. सो मैं आपको उनके प्रोडक्ट्स बता सकती हूँ. एक्रेलिक पेंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं, काफ़ी शार्प पेंट्स होते हैं, कलर्स बहुत वाइब्रेंट, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे. ये वाली जो पेंटिंग है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भी मैंने एक्रेलिक पेंट से ही बनाई है. तो एक्रेलिक पेंट्स में आई यूज़ दीज ट्यूब्स एंड ये काफ़ी बड़ी बड़ी ट्यूब्स हैं. तो मैं ये ट्यूब्स यूज़ करती हूँ. बट अगर आपने अभी पेंटिंग शुरू करी है और आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्यूब्स की नीड नहीं है जो कि कॉस्टली भी आती हैं, तो कोई बात नहीं, आप इनका एक्रेलिक पेंट्स का पैकेट भी ले सकते हैं जिसके अंदर सारे कलर्स होंगे, सारे पेंट्स होंगे एंड विच विल बी मोर चीपर एंड ईजी फॉर यू. क्योंकि आपको अपने यूसेज के अकॉर्डिंग्स
क्या बोली जा रही हूँ मैं, आपको अपने यूसेज के अकॉर्डिंग पेंट्स लेने चाहिए। अगर आपको चाहिए सिर्फ रेड येलो प्राइमरी कलर्स अगर आपको लेने हैं तो आप ऐसी ट्यूब्स भी जाके शॉप पे ले सकते हैं, बिकॉज ये सिंगल ट्यूब्स आती हैं, ठीक है। देन देयर इज नो नीड टू बाय अ बॉक्स। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर मेस्ड अप एन ऑर्डर? बाबा जी टच वुड, नहीं कभी नहीं, थैंक गॉड मैंने कभी अपना ऑर्डर मेस्ड अप नहीं किया है। डर बहुत खौफनाक बात है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा है फॉर देयर पेंटिंग, फॉर देयर आर्ट, स्केच, किसी भी चीज़ के लिए, सो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको पूरा प्रॉपर टाइम पे भिजवाओ, जो कि मैं कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं टाइम पे पहुँचाऊँ एंड उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाऊँ चीज़ को, ताकि यू नो इट शुड बी वर्थ इट। सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट question, how do you manage to find the perfect colors for skin tone? Okay, so guys, अगर आप मेरे art page पे जाके देखेंगे, जिसका link मैंने नीचे mention किया है, तो मैंने एक ये painting बनाई थी जिसके अंदर मैंने स्किन टोन के ऊपर थोड़ी स्टडी करी थी कि कैसे पेंट्स को मिक्स किया जाता है और कैसे कैसे आप उसको मिक्स करके एक परफेक्ट स्किन टोन के टेक्स्चर्स लेके आ सकते हो। सो वो मैं आपको बता देती हूँ कि उसके लिए मैंने पेंट्स कौन से यूज़ करे थे, बाकी टॉकिंग अबाउट द मिक्सिंग ऑफ पेंट्स एंड क्रिएटिंग दोज टेक्स्चर्स वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। जो पेंट्स मैंने यूज़ किए थे वो है येलो, जिसका नाम है कैडमियम लेमन, जो कि कैमल का है, एंड नेक्स्ट वी हैव इज बर्नड अम्बर, जो कि कैमल का है, वी हैव टाइटेनियम वाइट एंड बर्नड सियना, जो कि कैमल का है। तो मैंने ये सारे शेड्स यूज़ करके मिक्स करके अपने लिए स्किन टोन पेंटिंग के लिए स्किन टोन बनाए थे। तो ये सारे पेंट्स हैं। मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट्स कौन से कलर का यूज़ करते हो, ब्रांड का यूज़ करते हो? तो ज़्यादातर जो मेरे पेंट्स होते हैं वो कैमल के ही होते हैं, बट फेवर कैसल के आप पेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। ये जो कैमल के पेंट्स होते हैं थोड़े थिक होते हैं, थोड़े मतलब लिक्विड ही नहीं होते हैं, बट हाँ इनके पेंट्स इन्हें थोड़े से लाइट हल्के होते हैं, बट बोथ आर गुड, बोथ आर अमेजिंग। तो किसी ने पूछा है कि आर आर्ट सप्लाईज वेरी एक्सपेंसिव? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आर्ट सप्लाईज बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते, एंड या इट डिपेंड्स अपॉन ब्रांड टू ब्रांड, ठीक है। तो आपको चीप आर्ट सप्लाईज भी मिल सकते हैं, अगर आपको कॉस्टली आर्ट सप्लाईज चाहिए तो आपको वो भी मिल सकते हैं। आपने अभी स्टार्ट किया है तो यू कैन बाय सम चीप आर्ट सप्लाईज, अगर आप काफ़ी अच्छे हो गए हो आर्ट में एंड यू थिंक दैट यू कैन बाय मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, मोर एक्सपेंसिव सप्लाईज, तो आप यू कैन गो फॉर दोज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू गेट योर सप्लाईज फ्रॉम? ज़्यादा मैं ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती, बट मैंने एक ही पेज से ऑर्डर किए, वहाँ से मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या मंगाए थे। मैंने ब्रशों के ब्रशेज मंगाए थे जो कि बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे ब्रशेज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। मुझे लगता है मेरे को जादू की छड़ी लगती है, मुझे आई स्वेयर आई लव दीज ब्रशेज। ये मंगाया था विच इज़ अ चारकोल पाउडर, सो मैंने ये चीज़ें मंगाई थी इंस्टाग्राम पेज से, जिसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। आकाश वो पेज मुझे देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एज अ गिफ्ट भिजवा दे, तो मतलब मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी यार, मैं टैग कर दूंगी। ऐसी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है जहाँ से मैं अपने आर्ट सप्लाईज खरीदूँ, आई लव टू एक्सप्लोर, मेरे को जहाँ आर्ट सप्लाईज दिखते हैं मुझे जहाँ से जो चीज़ चाहिए होती है मैं बस उसको ले लेती हूँ, बिकॉज आर्ट सप्लाईज को खरीदने से पहले सोचा नहीं जाता कि कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं, तो जहाँ मिले बस यू नो बटोर लो। ओके भाई, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिएक्ट टू पीपल आस्किंग फॉर फ्री पोर्ट्रेट्स? ओ भाई, मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये फीलिंग आती है मुझे एक्चुअल में, एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए, एक स्केच बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है एंड बहुत एफर्ट लगता है, आपकी पीठ, आपका हाथ, आपका टाइम सब इन्वेस्ट होता है। इसके बाद जब कोई आपसे रिक्वेस्ट करे, जिसने भी मुझसे रिक्वेस्ट करी अभी तक, प्लीज़ उनके लिए मतलब ऐसे दिल पे मत लेना, ये बस मैं इन जनरल बता रही हूँ। कोई भी अगर ऐसे पूछे फ्री में बना दो, बना दे यार,
प्लीज यार दोस्त ना बिल्ड तो बना सकते हो, तब ऐसा लगता है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद वाली फीलिंग होती है ना, वो आती है। पर था किसी के लिए काम करके, उनके लिए पोर्ट्रेट्स बना के, स्केचेस बना के खुशी मिलती है जब वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बट फ्री वाला काम ना बस अब हो नहीं पाता। सॉरी गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू मेक अ पोर्ट्रेट? इट टोटली डिपेंड्स कि वो पोर्ट्रेट कैसा है। अगर मुझे एक पेंसिल स्केच बनाना है लाइक दिस, सो और सिंगल पर्सन का बनाना है, डबल नहीं है, इट विल टेक मी अबाउट फोर आवर्स मैक्स। एंड अगर मुझे कलर पोर्ट्रेट्स बनाने हैं लाइक दिस, तो उसमें इट विल टेक मोर टाइम, तो लग जाता है मुझे कुछ 6 आवर्स 5-6 आवर्स। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पेंटिंग, तो पेंटिंग में तो बहुत समय लगता है यार, मतलब पूछो मत, बस हाथों की पीठ की बैंड बज जाती है, बस पूछो मत कितना टाइम लगता है। थैंक गॉड फॉर माय रीफ मैन, दिस शिट गुड। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज मोना लिसा सो फेमस? So moving on towards the last question, जिसमें लिखा है why you love art so much? I love art so much because मुझे paints, colors से बहुत प्यार है। होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल इसलिए बिकॉज उसमें कलर्स होते हैं, दिवाली में रंगोली होती है, इसीलिए फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उसमें कलर्स होते हैं। आई लव कलर्स, कलर्स से क्रिएट करने में अलग मज़ा आता है, लोगों को खुश करने में अलग मज़ा आता है, लोगों की पिक्चर देख के उसे एज इट इज़ बनाने में मज़ा आता है। सो हर चीज़ में मज़ा ही मज़ा है। बहुत सारे ऐसे टाइम्स आते हैं जब तुम्हें बहुत लो फील हो रहा होता है, तो सैड होते हो, यू डोंट वांट टू टॉक एनीवन, तो उस टाइम पे पेंटिंग मुझे बहुत हेल्प करती है। इसीलिए आई लव आर्ट। आर्ट को लव करने का ऐसा सच कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई लव इट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोलते भूल क्यों जाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आती क्या हो गया, मेरा मतलब खराब हो रहा है, मेरा बोला नहीं जा रहा है। यू द नेक्स्ट वीडियो, नहीं कट इट कट। सो बाय गाइस, नहीं सो डो, नहीं ये बहुत ही घटिया लग रहा है, नहीं कितना बेकार लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 2000 years later. So thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye.